हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज बर्ड्स का 31वां दिन है दोस्तों, और बर्ड इस प्रकार बैठे हैं देखिए। क्योंकि दोस्तों कल नहीं परसों के दिन जो है धूप ज़्यादा पड़ी थी थोड़ा, तो उस टाइम थोड़ी मॉडल्टी भी होगी थी, मेरे 7-8 मॉडल्टी होगी थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो है हमने ऊपर के स्प्रिंकलर चालू कर दिए। मैंने कहा अगर ऐसी ज़्यादा धूप होती है तो फिर स्प्रिंकलर चलाने हैं दोस्तों, तो दिन में जो है स्प्रिंकलर चला देता हूँ ताकि जो टिन शेड की जो हीटिंग आती है दोस्तों वो नहीं आ पाती है, बाकी फैन चल ही रहे हैं दोस्तों। तो अभी जो है बर्ड की कंडीशन इस प्रकार है दोस्तों, फीड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मॉर्निंग में डालता हूँ, वो अभी तक ख़त्म कर देता है दोस्तों 1-2 घंटे में। तो फिर उसके बाद में जो है बर्ड भूखा रहता है, फिर शाम को फिर लगाते हैं दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच में, और फिर हमारी लाइट को हम जलाते नहीं है, और फिर लाइट को डायरेक्टली हम जो है 12 बजे ऑन करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बर्ड जो है शांति से बैठा रहता है एकदम से, ठीक है। दिन में हर आधे घंटे के अंदर इसे बीच से निकलते हैं, क्रॉस कर देते हैं ताकि बर्ड जो है उठ के पानी पी ले, थोड़ा साइड में उड़ जाए। दोस्तों अगर अपन नहीं ध्यान देते हैं तो बर्ड का जो है चेस्ट बिल्कुल गर्म हो जाता है, नीचे की सतह जो होती है दोस्तों उसको बिल्कुल गर्म कर देता है, और उसके बाद में जो है बर्ड में मॉडल्टी होती है क्योंकि वो हीटिंग ले लेता है दोस्तों। अभी जो है गर्मी का मौसम चालू हो गया वापस, अभी हमारे 1 तारीख से लेकर के अभी परसों तक तो बिल्कुल जो है बिल्कुल बारिश हो रही थी डेली दोस्तों, लेकिन अभी कल से हीटिंग चालू हुई है दोस्तों, तो गर्मी पड़ रही दबा के, क्योंकि दोबारा बरसात आएगी दोस्तों, तो उसके लिए जो है उमस टाइप में भी हो रहा है, तो धूप भी तेज़ निकल रही है। तो बर्ड ने 14-15 दिन जो है दोस्तों बिल्कुल जो है बारिश में रहा है, बिल्कुल इसको एहसास ही नहीं हुआ गर्मी का, अचानक से गर्मी पड़ी है तो बर्ड को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो है हम दोस्तों ऊपर स्प्रिंकलर चला के टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। बर्ड काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं दोस्तों, और आज 21वां दिन है, और 4-5 दिन में इसकी लिफ्टिंग कराएंगे दोस्तों, फिर क्या रहता है हिसाब आपको हम कंटिन्यू वीडियो में बनाते रहेंगे दोस्तों। और अभी जो है ये मौसम जो है बार बार चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना होता है। और दूसरा दोस्तों लीटर इसका बढ़िया है, लीटर को हमने उसी टाइम सही किया तो उसके बाद गीला नहीं हुआ अभी तक। और मॉडल्टी की बात करी जाए दोस्तों तो 29 दिन का बर्ड था उस दिन मॉडल्टी मेरे हो गई थी 7-8, बाकी दो तीन का रेशियो चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो शायद 170 या 75 के समथिंग मॉडल्टी अपनी टोटल अभी तक हुई है, और बर्ड दिखा देता हूँ बॉडी वेट एक बार देखिए दोस्तों, इस प्रकार है बर्ड। बर्ड में अच्छा वजन है दोस्तों, और फीड अच्छे से ले रहा है, ना कोई साउंड है, अभी कच्ची वीट भी नहीं कर रहा है दोस्तों, अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो अब इसको अपन ज़्यादा नहीं रोकेंगे दोस्तों, इसको लिफ्टिंग पे लेकर आएंगे इसको, क्योंकि बर्ड क्या होता है दोस्तों कि अगर मौसम सही हुआ ना दोस्तों, अभी 22 तारीख से फिर बरसात बता रहा है, तो बरसात का मौसम दोबारा का ठंडा मौसम हो गया दोस्तों, तो फिर अपन इसको रोक लेंगे, 37-38 दिन भी निकाल देंगे दोस्तों। लेकिन अगर ऐसी गर्मी पड़ी तो फिर ज़्यादा नहीं रोकेंगे, क्योंकि मौसम का पता नहीं कब क्या हो जाता है, अपने जो है बना बनाया बेच बिगड़ जाएगा दोस्तों, इसके लिए जो है अपन को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो फार्म जो है पूरा जो दोस्तों देखिए भरा भरा लगता है, क्योंकि बर्ड जब बड़ा होता है ना दोस्तों तो इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए तो फिर क्या होता है पूरा फार्म भर जाता है। अभी छोटे वाले शेड में भी यही कंडीशन है, वो भी भरा पड़ा है, और इसमें भी यही कंडीशन है। लेकिन जैसे क्या होता है दोस्तों कि बर्ड का अगर बॉडी वेट नहीं होता है तो अपनी जो चिक्स कॉस्ट होती है वो डाउन नहीं होती है, तो जितना बर्ड में अच्छा बॉडी वेट आएगा ना उतनी कॉस्ट अपनी मेंटेन होगी दोस्तों। तो इसलिए जल्दबाजी भी उनको करना गलत है, अभी बॉडी वेट आने देते हैं ज़्यादा नहीं तो 2300-2400 ग्राम में तो अपन लिफ्टिंग कराएंगे दोस्तों इसको, और फिर देखते हैं आगे जाके कंडीशन क्या रहती है, अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी या मॉडल्टी वगैरह ऐसा कुछ इश्यू आएगा दोस्तों तो अपन फिर जो है इसको लिफ्टिंग करा देंगे। तो अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है, उम्मीद करते हैं लोड जो है दोस्तों अच्छा से निकले, क्योंकि अब जो हमारे पास शेष बचे हैं 4 से 5 दिन, 4 दिन मान लीजिए, आज 31 दिन हो गए दोस्तों, तो हम 35 दिन पर भी गाड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी लिफ्टिंग जो है IV में हो रही है फटाफट, हमारे इधर तो ज़्यादा इतना समय लग नहीं रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा रोकने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर FCR कॉस्ट वगैरह अगर मेंटेन हो रही है, अगर अपने पैसे अच्छे बन रहे दोस्तों तो फिर जो है अपन लिफ्टिंग करा देंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार है अपने बर्ड, तो मैंने सोचा दोस्तों को एक बार अपडेट कर दे दोस्तों, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वेट करते हैं मेरा वीडियो का, इसलिए मैं समय निकाल के जो है आपके साथ में वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मेडिसिन की बात करी जाए दोस्तों तो अभी मैं बिल्कुल 0 मेडिसिन चला रहा हूँ, बिल्कुल सैनिटाइज भी नहीं मिला रहा, केवल पानी लग रहा है दोस्तों, और उस हिसाब से जो है अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो मैं इसमें अभी छेड़खानी कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो बरसात का मौसम होता है ना दोस्तों, इसके अंदर ही अपना जो एक
लोट निकलता है बिना जीरो मेडिसिन पे। और फर्स्ट में जो बर्ड में प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग तो अपन को मेडिसिन लगानी होती है, लेकिन जब अच्छा लोट जा रहा है तो उस समय आपको कुछ भी उसमें गाल घुसेड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार डिस्टर्ब हुआ बर्ड तो हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद में जो है दिक्कत होती है। तो अभी जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो हम सादे पानी पे लेके चल रहे हैं, कोई मेडिसिन अभी नहीं दे रहे हैं। और अभी बीच में केवल हमने जो हेप्टोकेयर लगाया था लीवर के लिए, बाकी तो फर्स्ट क्लास है दोस्तों। ये देखिए बर्ड में साइजिंग भी नहीं है, तो दोस्तों अब की बार वीक बर्ड भी नहीं है, लंगड़े बच्चे आपको मिलेंगे दो चार, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए और आज की भी मॉडल टी देखिए, यहाँ पड़ी है तीन मॉडल टी है आज, बड़ी मॉडल टी है, ये भी गर्मी के कारण ही गया मेरे को जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपके दोस्तों, ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करूँगा, और अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है दोस्तों, और अभी कल मैं फिर दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, और कोशिश करेंगे कि इसको लोट को जो है अच्छा निकालें दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।